रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछले सप्ताह हमने एक वीडियो डाला था सप्त देवी साधना पे, जिनको सप्त मातृका बोलते हैं। और आज जो मैं आपको आठ मंत्र देने वाला हूं, ये अष्ट मातृका पर है। सप्त मातृका और अष्ट मातृका में बहुत सारा जो ग्रंथ है उसमें विवाद है। कुछ मानते हैं कि दोनों एक है, और जिस शक्ति के लिए अष्ट मातृका का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन शक्ति के युद्ध में अष्ट मातृका अपना योगदान देने आई थी, उन शक्ति को मिला के फिर अष्ट मातृका हो जाती है। ठीक है, सप्त मातृका, अष्ट मातृका। लेकिन जो पौराणिक कंसेप्ट है मंत्रों का, उसमें मंत्र को ईश्वर बोला गया है। ईश्वर का मतलब ये स्वर, आपकी आवाज। तो सप्त मातृका को हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट, और जो अष्ट मातृका है उसको वॉवल्स मानते हैं। और जितने भी बीज अक्षर बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं, इसीलिए इनको मातृका, माँ का रूप माना गया, क्योंकि माँ का काम होता है सृजन करना, और इन मातृकाओं से सृजन होता है। और भी बहुत सारे विद्याएं और विषय मातृकाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे गुप्ता काल में, जब गुप्ता काल खंड था, तो ये माना जाता था कि जो मातृकाएं हैं उनका काम होता है आपका जीवन बचाना। तो जो बहुत असाध्य रोग होता था उनमें एक एक रोगों की एक एक मातृका होती थी जो कि बचाव करती थी। फिर एक आगे चल के जो देखिए, मातृकाओं के बारे में आप महाभारत में पढ़ेंगे तो मिलेगा, रामायण में पढ़ेंगे तो मिलेगा, पुराण में जो वराह पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, देवी महात्म्य है, मार्कंडेय पुराण में विशेष रूप से जब भगवती के शरीर से आठ देवियां निकलती हैं जो युद्ध करती हैं भगवती के साथ, तो सुम्भ निशुम्भ वध होता है, उस समय रक्त बीज का वध होता है। तो अष्ट भगवतियां जो है शरीर से निकलती हैं और उनको ही अष्ट मातृका माना गया। ठीक है, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, इसमें थोड़ा अलग अलग वर्णन है, लेकिन मूलभूत रूप से देवी महादमन का जो सुम्भ निशुम्भ का वध है, जिसमें कि भगवती के शरीर से आठ मातृकाएं और निकलती हैं, और वो नव दुर्गा प्रकृतिता जो हम बोलते हैं वो होता है, उसको ही हम मानते हैं। ठीक है ना, तो जब आप देवी महात्म्य पढ़िएगा तो उसमें आपको एक एक देवी का रूप आते रहेगा। कुछ और जगह पे जैसे महाभारत आप पढ़िएगा तो एक देवता है जिनको स्कंद कहा जाता है, जो शिव पार्वती के पुत्र माने जाते हैं, तो उनके साथ भी युद्ध में साथ देने के लिए अष्ट मातृका आई थी। ठीक है, आगे चल के आप योगिनियों के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी आपको अष्ट मातृकाओं के बारे में बोला जाएगा। मूलभूत रूप से आज मैं आपको अष्ट मातृका के मंत्र बताऊंगा, और इन मंत्रों में आप एक एक करके इनको सिद्ध कर सकते हैं। जिनको सुरक्षा चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, वो अष्ट मातृका की साधना करते हैं। तो जैसे अष्ट मातृका है, आठ मातृकाएं हैं, तो हर मातृका का जो है एक बार में 11 जाप करना चाहिए। ठीक है, या फिर आप एक एक करके सिद्ध करना चाहते हैं तो 9-9 दिन 108 माला, 108 बार जो है आप जाप करेंगे एक मंत्र का। तो पहली जो अष्ट मातृका है, असितांग भैरव की भैरवी है, मतलब उनके भैरव, असितांग भैरव ऐसा बोलना सही होगा, भगवती ब्रह्मानी। ठीक है, या ब्रह्मी भी बोलते हैं इनको, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई वो ब्रह्मी। ठीक है, असितांग भैरव के बारे में आप लोग जानते हैं कि असितांग भैरव के आवाहन के बिना भगवती काली के का आवाहन नहीं हो सकता है। एकाक्षरी मंत्र है ब्रह्मी का, ब्राम। ठीक है, ब्रह्मानी का पूरा मंत्र है ओम आम हौम ग्लूम क्रोम ब्रिम फट। ओम आम हौम ग्लूम क्रोम ब्रिम फट, ये महासाहित्य संहिता में दिया हुआ है, और एकाक्षरी मंत्र ब्राह्म, ये हुआ ब्रह्मानी का मंत्र। दूसरी अष्ट मातृका है महेश्वरी, इनके जो भैरव है वो है रुरु भैरव, इनका एकाक्षरी मंत्र नहीं है। महेश्वरी का जो मंत्र है वो है
ओम ह्रीम नमो भगवती महेश्वरायै स्वाहा। ठीक है, इसके अलावा महेश्वरी का एक बहुत लंबा मंत्र है, लेकिन उस मंत्र को हम लोग उद्घोषणा नहीं करते हैं और बिना तांत्रिक प्रयोग का उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए आपको अगर साधना करनी है तो ओम ह्रीम नमो भगवती महेश्वर्याय स्वाहा, इसमें एक शब्द और जोड़ा जाता है, ओम ह्रीम नमो भगवती महेश्वर्याय परमेश्वरी स्वाहा। तीसरी, महेश्वरी मतलब महादेवी, महादेव के साथ, महेश के साथ जो रहती हैं महेश्वरी। ठीक है, तीसरी जो मातृका है वो कौमारी है। इनके भैरव हैं चंड भैरव और मंत्र है कौम कौमार्यै नमः, कौम कौमार्यै नमः, कौम कौमार्यै नमः। ठीक है, चौथी मातृका जो है उनको बोलते हैं वैष्णवी। वैष्णवी का तो हम सब व्याख्यान जानते हैं, क्रोध भैरव के साथ रहती हैं वैष्णवी। ठीक है, इनका जो मंत्र है वो है ओम नमो वैष्णव्यई। ठीक है, जो देवी दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे उसमें अष्टाक्षर मंत्र इनका पढ़ते हैं हम, अम कम चम टम तम पम यम शम। ये जब आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है, अम कम चम तम तम पम यम शम। ठीक है, एक और मंत्र वैष्णवी का जो चलता है वो है आम श्रीम ह्रीम क्लिम क्लिम ह्रीम श्रीम आम। फिर आते हैं वारा भगवान से जो उत्पन्न हुई वाराही, इनके भैरव जो हैं वो है उन्मत भैरव। ठीक है, वैष्णवी के रुरु क्रोध भैरव होते हैं और वाराही के उन्मत भैरव। इनका मंत्र क्या है, एम लौम ठम 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 हुम स्वाहा। ठम जब भी आप मंत्र समझे तो आप ये समझ लीजिए कि इस मंत्र के प्रयोग से आपको भविष्य का बोध होगा। ठीक है, इंद्राणी कपाल भैरव की संगिनी, मंत्र क्या है, इम इंद्राण्यै नमः, इम इंद्राण्यै नमः। ठीक है, सातवीं जो भगवती है वो है चामुंडा, भीषण भैरव के साथ रहती है, रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और इनका मंत्र हम सब जानते हैं, ऐम ह्रीम क्लिम चामुंडाये विच्चै, ऐम ह्रीम क्लिम चामुंडाये विच्चै। आठवीं जो अष्टमात्रिका में है वो है महालक्ष्मी, धन के लिए इनका जाप होता है, संहार भैरव इनके साथी हैं और मंत्र है ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। क्या है, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर थोड़ा देवी रहस्य के हिसाब से जाप करें तो मंत्र होता है ओम ह्रीम श्रीम क्लिम ऐम सौ सौ सौम नहीं सौ महालक्ष्मी प्रसीद प्रसीद श्रीम ठह ठह ठ स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लिम ऐम सौ महालक्ष्मी प्रसीद प्रसीद श्रीम ठह ठह ठ स्वाहा। तो ये अष्टमात्रिका का मंत्र है, अपने हिसाब से भगवती का जाप करें, जिस भी शक्ति की आपको आवश्यकता है, सुरक्षा में चामुंडा है ना, महालक्ष्मी है आपको धन देगी, ठीक है, इंद्राणी है आपको राजपाट देगी, वैष्णवी है आपको आध्यात्म देगी, वाराही है जो आपके शत्रुओं का संहार करेगी, वैष्णवी है, कौमारी है, कौमारी का काम है कि आपके सात्विक जीवन को ऊपर उठाना, महेश्वरी सब कुछ देगी, ब्रह्मानी ज्ञान देगी। तो जो आपको चाहिए उस हिसाब से अष्टमात्रिका के मंत्रों का जाप करें और इसका लाभ उठाएं। जैसा मैंने आपको बताया कि अष्टमात्रिका की साधना बहुत अलग अलग कारणों से हमेशा होती रही, तो जो आठों माताओं के मंत्र का रोज जाप करेंगे 11-11 बार, कहते हैं उनके घर का जो असाध्य रोग होता है, ठीक है, वो समाप्त हो जाता है, जो असाध्य तंत्र होता है उनके घर में उसका काट इस सिर्फ जाप मात्र से हो जाता है, ठीक है। और अगर अगर एक एक मात्रिका का जाप करते हैं, जो अष्ट मात्रिका के हिसाब से जाप है, जैसे लक्ष्मी का एक मैंने अलग जाप बताया, तो वो जब आप जाप करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, और धन की प्राप्ति हो, बल की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, राजपाट की प्राप्ति हो, सब सिर्फ इस अष्ट मात्रिका की मंत्र उच्चारण से ही संभव है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र करने की आवश्यकता नहीं।
आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको तंत्र मंत्र यंत्र के सारे विषय सिखाते हैं। आपको आगामी जो तांत्रिक विधान है जो शुरुआत में आपको जानना चाहिए वो सब हम आपको सिखाते हैं। इसके अलावा जो मेरा आगामी कार्यक्रम है मेरे लेख पढ़ने के लिए आप www.aghortantra.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए चाहे तो व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती अष्टमात्रिका आप सभी को सामर्थ्य बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। नीलकंठ मीप्सितार्थदायकम्।